जाओ आप प्लेट्स लेकर आओ प्लेट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं ऐसे शुरू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दी जाने लगे हूँ नानू घर। जब तक जाते हैं वब तक आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मूसा यार कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार। सलाम ही नहीं लिया आपने। ईद है। खैर मुबारक। आपने क्या ज़िबा किया? हमने एक भैंस की है, बैल और एक दुम्बा। अच्छा फाइनली जी यहाँ पे नानू घर आ गए हैं। अभी आए हैं जस्ट, और अभी यहाँ पे मैं सामान उतारने लगा हूँ क्योंकि अभी मेरे साथ तो कुछ है नहीं कोई। और मूसा आप उठाओगे साथ? ये लो। चलो ये लो। बारी है। हाँ इधर है मेरे पास। ये ग्लास भी सारा सामान मैंने पकड़ लिया और आप बंद करते हैं फिर आपको मैं। अगला दिन जी शुरू हो गया और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। ये देख सकते हैं मेरी आँखों पे अभी नींद भी थी थोड़ी थोड़ी, और मैं उठ गया हूँ। आप मुझे नींद नहीं थी आनी है इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। और यहाँ से ऊपर का व्यू क्या कमाल है ये देख। और यहाँ से मैं आपको कहता हूँ यहाँ से इससे भी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा रहता है। हमारे वहाँ पर तो इतनी तेज़ गर्मी, इतनी गर्मी। ये जोन से ना ये काफ़ी है। और ना मैं अभी कासम का उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद इन्होंने भी आज कुर्बानी करनी हो तो, अगर करनी हो तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फिर से। अभी एक बच्चा के नाम है, उन्होंने ज़िबा किया है और बड़ा ज़्यादा वो हुआ है। वो पहले तो ऊपर चलाने मारा था, उसके बाद वो फिर लगा रहा था। जी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे भाई क्या हो रहा है। एक दूसरे दिन हम अभी गेम खेलने लगे थे, मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लें। और ऊपर आया हूँ तो पहले तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अब बारिश नहीं हो रही है। और वो अब क्या करें, गेम खेलने भी नीचे जाके। चलो इसने मुझे अल्लाह अल्लाह करके ये जूता दिया है, नहीं तो इसने नहीं था देना है। ये लड़ने लगे हैं। आप जी बड़ी तेज़ धूप निकली हुई है, आप पता नहीं हमें क्या करना है। और ले ले भी अब शायद ज़िबा हो
और नीचे मामू लोग कीमा करने लगे हैं, तो उसका मैं दिखाता हूँ। ये कीमा करने लगे हैं और आप देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे ले ले आते जाएंगे भाव मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम घर जाने लगे हैं और ये मैं रास्ते में ही हूँ अभी, तो इन्ना बाहर से अभी निकले ही हैं और अब देखते हैं अब क्या करते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो वो जो सा वहाँ का कसाई था ना, वो जो सा हड्डी का गुद्दा नहीं होता जिसको हम पंजाबी में मिख कहते हैं, वो ऐसी कच्ची खा गया था, उतार के ना ऐसे खा गया, कहता है मियाँ साहब ये देखें ऐसे किया उसने, ऐसे खा गया सारा। इतना गंदा सही, मैं तो हैरान हो गया, मेरा दिल खराब होने लगा अपना वहाँ पे। मैं वहाँ से उठ के फिर चले, जब हम वहाँ पे उठे थे ना, वो सारा करके खाना खाने लगे थे, वो मेरे मामू आए अंदर से, वो फटाफट भाग के उठ के उनको उन्होंने चूम लिया मुँह पे। मैं वहाँ पे देख के इतना को हंसाना, इतना ज़्यादा मज़ा आया फिर वहाँ पे बैठ के। तो उनको जब खाना दिया तो उनका रोज़ का काम था, वो रोज़ करते थे, और जब खाना दिया ना उन्होंने हाथ धोए ना मुंह धोया ना पाँव धोए, ऐसे ही सारे जुड़ गए। बाप उन्होंने 5 मिनट में हर चीज़ ख़त्म कर दी। कसाई बड़ा अच्छा था वो उनका, उसने ऐसे छुरी लगाई है फटाफट सारा ख़त्म हर चीज़। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, उनका नाम मेरे 5 मामू हैं, उनमें से मैं आपको सबका नाम बताता हूँ। एक का नाम है शहजाद, वो उनको वैसे वो कहते हैं शहजादा, और एक का नाम है ज़हीर, और एक का नाम इफ्तखार, एक का नाम सरफराज जिनको उन्होंने चुमा था, और एक का नाम फयाज। और जो उनका कसाई था वो वाला था वीडियो में आया उन्हें, वो जो उनसे टिंट वाले थे वो वाले थे, उनका नाम जैन है। अगला दिन जी शुरू हो गया है और आज जी का तीसरा दिन, और मैं यहाँ पे पीछे घूमने आया हूँ क्योंकि हम यहाँ पे टेरिस में खाना खाने लगे हैं सब घर वाले, और चावल बनाए हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आज पहले वो देखते हैं फिर आपसे बातें करता हूँ। रात को काफ़ी लेट हो गए थे हम, चावल चेक करो जाओ आप प्लेट्स लेकर आओ, प्लेट कमाल हो गया खा लो। ऊपर से खाना खाए हैं, खाना तो बहुत मज़ेदार था, भुनू पुलाव बनाया था उमर के मामा ने, क्या मज़ेदार, मुंह पे बोटी जाती ऐसे होती थी, ऐसे ऐसे जाके उसी टाइम गुल मिल जाती थी। और नानूगढ़ गए थे वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया है। और बात खैर जी, आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिए जी, अल्लाह।